तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ इस वीडियो को स्किप थोड़ा सा भी मत करना। इस वीडियो को मैं बनाने का बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, बट ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने अभी आ रहा है जिसके रिगार्डिंग अपडेट आप लोगों को शायद जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें से काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे ऐसे लड़के होंगे जिनको शायद इस अपडेट के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं हूँ ना आपके साथ आपके ही काम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। ये बेसिकली जो वीडियो होने वाला है वो एक तरीका से जॉब अपडेट के रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें कि मैं बात करूंगा कि प्लेसमेंट जो है वो आपके होने वाले हैं। जी गाइज, आपने सही सुना कि आपका प्लेसमेंट होने वाला है और वो भी अच्छे खासे पैकेज पे। और वो भी जो प्लेसमेंट होगा वो कोई छोटी मोटी कंपनी या एक दो कंपनी पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, उसमें टोटल 25 कंपनी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं 25 कंपनी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी भी चीज़ को प्लेसमेंट करने के लिए, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो। एक तरीका से मेला लगा हुआ है, कंपनी वहाँ पे आके स्टॉक हुई है, ठीक है। आपको वहाँ से प्लेसमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिफरेंट लड़कों को। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर में बात क्या है और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकता हूँ कि मैं अभी आ चुका हूँ ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अपडेट मिलता है। तो इस वाले अपडेट में आओगे तो यहाँ पर देखो, दो नंबर में जो अभी यहाँ पर स्लाइड होकर जा रहा है वहाँ पर लिखा है कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इन अप्रेंटिस कम जॉब मेला। इस पर आपको सिंपली क्या करना, क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ क्लिक, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से एक लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक में सारा डिटेल्स आपको दिया हुआ रहेगा, तो सारा डिटेल्स मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म को कैसे आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो ये जो है आपको अप्रेंटिस कम जॉब मेला लगा हुआ है जो कि बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में लगा हुआ है। आप यहाँ पर सारा डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, नीचे में यहाँ पर लिखा गया है, एड्रेस भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो एड्रेस में आपको लिख जाएगा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RRSDCE बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है और जाने से पहले इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। और वो जो आपको फॉर्म को फिलअप करना है तो आपको मेल के थ्रू कंफर्मेशन दिया जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्टेड किया जा रहा है प्लेसमेंट के लिए या नहीं किया जा रहा है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको वहाँ पर जाना है और जाकर के वहाँ पर आपको जो है कि उस मेला में आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट जैसे करोगे तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, वहाँ पर आप इंटरव्यू के थ्रू आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा, और जैसे आप प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपकी जॉब फिक्स हो जाती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई डाउट या कोई भी क्वारी होगा तो इस मेल के थ्रू आप अपने जो क्वारी को फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस दिया गया आपको यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करके कौन कौन लोग इलिजिबल हैं, तो कौन कौन लोग इलिजिबल है, तो यहाँ पे इलिजिबिलिटी भी बताया गया है कि जो बीई हो, बीटेक हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम हो, बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा, वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया, वो कंडीशन है कि पासिंग ईयर जो होना चाहिए था वो 19-20-21 का पास आउट होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि हम सब यहाँ पे जितने भी अपना यूट्यूब का फैमिली है ये सभी हम लोग डिप्लोमा करके रखे हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले जो कि 19 में पास आउट हुए हैं, 20 में पास आउट हुए हैं या 21 में पास आउट हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा फायदा आपको पता है क्या होने वाला है, आप जैसे वहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, कैसे आपको किसी भी प्लेसमेंट के लिए कैसे आपको चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे आपको एनालिसिस करना है, कैसे प्लेसमेंट होते हैं, ये सभी चीज़ों का आपको सीखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आप बीसीसीएलई के थ्रू यहाँ पे बीटेक भी कर रहे हो, ऑलमोस्ट बहुत लोग बीटेक कर भी रहे होंगे, बहुत लोग अभी नहीं भी कर रहे होंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करना, और जो लोग कहीं ना कहीं बीटेक कर रहे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप करना, ठीक है। सभी लोग वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको एक आइडिया लगेगा कैसे प्लेसमेंट होता है, कैसे प्लेसमेंट के लिए क्या प्रोसेस होता है, और प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं, सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप भले प्लेसमेंट लो या मत लो, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं ये जरूर कर रहा हूँ कि आप वहाँ पार्टिसिपेट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखने को मिलेंगे और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ा से आपको चीज़ों को समझने में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट जरूर करना। और स्पेशली मैं बता दूँ कि यहाँ पर स्पेशली जो बिहार के लिए ऐसा वैकेंसी निकाला गया है तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला रहेगा। तो मैं तो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आई होप कि आप भी करोगे, ठीक है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ जो है अपलेटेड है बिहार सरकार का है, ठीक है, टेक्निकल यंग के लिए और NATS के लिए भी है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना। अब फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो जैसे इस वाले साइट पर आओगे, ठीक है, और जैसे रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक जैसे मैंने अभी किया था उस तरीके से आप करोगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस लिंक में आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है,
ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद से आपको नेम लिखना है, ठीक है, आप जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यानी कि जितने भी यहाँ पे चीज़ों आपसे पूछे जा रहे हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। कब का पास आउट हुई भी लिख देना, कितना मार्क्स आया था आपको डिप्लोमा में या परसेंटेज में लिख देना, ठीक है। उसके बाद से NATS पे आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हो या नहीं किए हो, ये चीज़ को आपको कन्फर्म कर देना है यस और नो में, ठीक है। अगर किए होगा तो यहाँ पर उसका एक आईडी भी होगा, उस आईडी को यहाँ पर डाल देना, नहीं किए होगा तो कोई भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर यस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के पहले एक चीज़ और आप ध्यान देना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपका जो इंटरव्यू होने वाला रहेगा वो किस डेट को होने वाला रहेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करके रखा गया कि आपका इंटरव्यू जो होगा वो किस डेट को होगा, तो मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, आप ध्यान से आप देख लेना कि जो इंटरव्यू का डेट रहेगा वो 14-15 जुलाई 2022 को होने वाला रहेगा, ठीक है। तो इस डेट पर आप जो है अपना रिज्यूमे हुआ, ठीक है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट हुए, जो भी आपका नेसेसरी चीज़ें हुए, वो सारी चीज़ को आप रेडी रखना। अगर आपको मेल आता है कंफर्मेशन का कि हाँ आप एलिजिबल हो और आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, तो आप सारी चीज़ रेडी कर लेना, ठीक है। अब मेल किस तरीके से आएगा, वो मेल आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट मेरे को भी मेल आया नहीं है अप्रेंटिसशिप को, मैंने भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अप्लाई करने का हम करने के बाद से हम भी वेट ही कर रहे हैं कि कब आएगा, ठीक है। जैसे आएगा तो आपको इन्वाइट किया जाएगा, ठीक है, तो आप भी पार्टिसिपेट करना, अगर हो सके तो हम लोग मिल भी जाएँ। मेल के थ्रू इस बात को कन्फर्म किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए हो प्लेसमेंट के लिए या नहीं। शॉर्टलिस्ट अगर होते हो तो आपको वहाँ पर बुलाने का डेट दिया जाएगा कि इस डेट को आपको वहाँ पे आके पार्टिसिपेट करना है, यानी कि वहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करना है, और वहाँ पे जैसे आप जाओगे इंटरव्यू आपका जैसे क्रैक कर लोगे तो आपको वहाँ पे जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस होने वाला रहेगा और प्लेसमेंट ऐसे होते ही हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला रहेगा। और कुछ हो ना हो बट काफ़ी सारा चीज़ ऐसा है जो आपको सीखना ज़रूरी है, तो आप सीख पाओगे, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आई होप कि आप पार्टिसिपेट करोगे। तो ये था एक छोटी सी अपडेट जो कि मुझे बताना था, आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोग इसे पसंद भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप अप्लाई कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना कि आपने अप्लाई किया है या नहीं किया, ठीक है। अगर इतना बताने के बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ के सारा चीज़ों को समझ लूँ, तो यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, उस साइट पर चले जाना, उस साइट से जाकर के आप सारा चीज़ को पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आपको बिलीव आ जाएगा, ठीक है। अगर पढ़ना नहीं चाहते हो तो मैं आपके सुविधा के लिए यहाँ पर शॉर्ट में सारा चीज़ को यहाँ पर लिख के अरेंज कर दिया है, और साथ ही मैंने यहाँ पर लिंक वगैरह भी सब चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो लिंक देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नंबर भी मुझे मिले थे जो कि क्वारी के लिए थे, तो वो भी मेंशन यहाँ पे कर दिया, आप यहाँ पे चाहो तो क्वारी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके सिवाय अगर आप चाहते हो कि ये किस तरीके से स्कीम काम करेगी, क्या क्या है इसके अंदर, तो आप सारा चीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। ये चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो, ठीक है, या अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा तो वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हो। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर इवन कोई भी डाउट है आपके पास इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टा पर जाकर के फॉलो कर लेना, इंस्टा का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ से जो भी डाउट होगा मैं अगर मेरे से होगा रिजॉल्व करने लायक तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।